ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन देने वाला हूँ जिसके मदद से आप लोग कलर ग्रेडिंग बहुत इजीली कर पाओगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो एंड इस एप्लीकेशन का नेम है फेस्टोन 2। एंड इसे गाइस आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाओगे, कैसे आप लोग कलर टूल्स को यूज कर पाओगे, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को अब तक देख रहे हो तो लाइक करना, इस चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, प्ले स्टोर से फेस्टोन 2 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड डाउनलोड करने के बाद ओपन करके एक नॉर्मल फोटो को इनपुट कर लीजिए। सो गाइस मैं नॉर्मल फोटो को इनपुट कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कलर टूल्स के बारे में फुल जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग फेस्टोन 2 एप्लीकेशन को यूज करके लाइट रूम से भी बेहतर फोटो को रिटचिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे टूल्स मिल जाएगा। आप लोग फेस को स्मूथ कर सकते हो, आप लोग फेस को गोरा कर सकते हो, उसके साथ साथ गाइस बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को सिर्फ बैकग्राउंड का कलर चेंज करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में फुल जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा कलर वाले ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एंड इस ऑप्शन के अंदर आप लोगों को प्रेस करना है। एंड यहाँ पर जब प्रेस करोगे गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ह्यू, सेचुरेशन एंड लिमुलेशन गाइस सेम टू सेम लाइटरूम के जैसा ही है। अगर आप लोग ह्यू को सिलेक्ट करके आप लोग ग्रीन कलर को चेंज करोगे तो बहुत ईजिली चेंज हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ह्यू को माइनस की तरफ कर दूंगा तो येलो हो जाएगा, प्लस की तरफ कर दूंगा तो यहाँ पर गाइस ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आपने येलो कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को राइट की तरफ कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। एंड सेचुरेशन को हाई कर दूंगा और भी ज़्यादा कलर आ जाएगा बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितने इजी तरीके से बैकग्राउंड का कलर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब गाइस लिमुलेशन को हाई करूंगा तो बैकग्राउंड का जो यहाँ पर लाइट है ज़्यादा हो जाएगा एंड आप लोग देख सकते हो और भी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एंड यहाँ से गाइस आप लोग अगर फेस का कलर यहाँ पर ज़्यादा करना चाहते हो तो गाइस ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके आप लोग कर सकते हो। मैं करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड लिमुलेशन को सिलेक्ट कर लेना है एंड हाई कर देना है। ठीक है, और उसके बाद गाइस सेचुरेशन को माइनस की तरफ करके व्हाइट कर सकते हो फेस को। एंड आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग रिटचिंग हुआ है। अगर आप लोगों को येलो कलर को ऑरेंज करना है तो ऑरेंज को सिलेक्ट करके आप लोग ऑरेंज कर सकते हो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। एंड लिमुलेशन को मैं हाई माइनस कर देता हूँ। एंड ऐसे करके आप लोग किसी भी कलर टोन में फोटो को रिटचिंग कर सकते हो इस टूल्स के मदद से। एंड यहाँ पर ब्लू कलर मिल जाएगा जिसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो कितने इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा दिया। ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन मिल जाएगा, इसे यूज़ करके आप लोग ब्राइटनेस को हाई कर सकते हो और ग्लो कर सकते हो, उसके साथ साथ कॉन्ट्रास्ट को हाई कर सकते हो एंड कलर को हाई कर सकते हो, शार्पनेस को हाई कर सकते हो, जो कि एक प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग ऐप के अंदर होना चाहिए। गाइस एक बार इस एप्लीकेशन को जरूर यूज़ करके फोटो रिटचिंग करके देखना, आपका जो फोटो रिटचिंग है बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।